So the highways here are very good, really very good quality highways. The roads are absolutely smooth. और कुछ लोग ऐसे मिल जाते हैं जो रैंडम रोड क्रॉस कर रहे होते हैं यहाँ पे बहुत दूर तक एक्चुअली क्रॉस ओवर करने के लिए पेडेस्ट्रियंस के लिए ब्रिज नहीं बने हुए हैं, विच इज डेफिनेटली अ प्रॉब्लम। तो लोगों के पास ऑप्शन ही नहीं है, अगर इस साइड ऑफ द विलेज में रहते हो और इस साइड में जाना है तो। एंड हाईवे के अलॉन्ग भी इन्होंने इसीलिए वॉल्स बना दिए ताकि लोग ऐसे ही रैंडमली क्रॉस ना करें, डेजिग्नेटेड जगहों से ही क्रॉस करें। बट इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ड्राइवर्स कि वो उन्हें बचा के चलाएं। ऑफकोर्स कमाल बता रहे थे कि इंडिया की तरह यहाँ पे भी सेम ही ड्राइविंग लाइसेंस देने का प्रोसेस बड़ा सिंपल है। आप बस फी पे करो, जो कि 20 मनात हुआ करती थी, रिसेंटली उसे 40 मनात बना दिया है अभी, तो 1600-1700 रुपये हुए वो दो। ऑनलाइन या में भी कहीं जा करके आरटीओ वगैरह टाइप का, जो भी आरटीओ टाइप का होता होगा, तो वहाँ जाओ दो और रजिस्टर करो। एंड उसके बाद एक थ्योरी एग्ज़ाम होता है, रूल बुक पढ़ो, वो थ्योरी एग्ज़ाम दो, वो क्लियर हो जाएगा तो लाइसेंस मिल जाएगा। मतलब कोई ड्राइविंग का प्रैक्टिकल टेस्ट होता ही नहीं है। Soccer and the stadium that they built on the way from the airport is a soccer stadium, right? Absolutely. So are they organizing some big event here also? And I heard now Baku has a F1 Formula racing track as well, right? Yes, but it's not popular sport, but yes. अपने next destination के पास में है, and कमाल मुझसे पूछ रहे थे यार कोलावरीडी का मतलब क्या होता है, ये क्या पूछ लिया। बड़ा पॉपुलर है यहाँ पे भी। मैंने इनको बोला कि एंग्री होता है कोलावरी, आई डोंट नो कि वही सही है या गलत है, तो बताना। यहाँ पे अज़रबैजान में आपको अज़रबैजान के फ्लैग के साथ साथ बहुत सारी जगह पे टर्की और पाकिस्तान के फ्लैग भी मिल जाएंगे। रीज़न बीइंग कि जो वॉर थी अज़रबैजान और आर्मीनिया के साथ इन दोनों की, उसमें बहुत सारी कंट्रीज न्यूट्रल थी, एज इन उन्होंने ना आर्मीनिया को सपोर्ट किया ना ओपनली अज़रबैजान को सपोर्ट किया। बट टर्की वॉज वन ऑफ दोज कंट्रीज जिन्होंने ओपनली सपोर्ट किया अज़रबैजान को और प्रोबेबली मिलिट्री सपोर्ट भी प्रोवाइड किया। एंड उसके अलावा पाकिस्तान का, बिकॉज टर्की के साथ बहुत अच्छा रिलेशनशिप है, बहुत एक्टिव कोऑपरेशन है, स्पेशली बिकॉज ऑफ द मुस्लिम ब्रदरहुड दैट दे हैव। एंड पाकिस्तान ने भी ओपनली टर्की के साथ मिलकर अज़रबैजान को सपोर्ट किया था उस वॉर में, तो उसको ऑनर करने के लिए यहाँ पर आपको हर जगह पे, बहुत सारी जगह पे, मतलब शॉप्स के बाहर भी, मोन्यूमेंट्स पे भी टर्किश और अज़रबैजानी फ्लैग्स आपको देखने को मिल जाएंगे। मैं कोशिश करूँगा अगर कहीं पे कैप्चर कर पाया तो। मैंने देखे तो काफ़ी जगह हैं, अभी मैंने बात भी करी तो मेरे को कमाल ने बताया कि दिस इज़ द रीज़न वाई कि यहाँ पर पाकिस्तानी फ्लैग्स, पाकिस्तान के लिए अच्छा खासा सपोर्ट है यहाँ पर। According to some handwritings from historians, it dates back to 12th century. Okay. So Shirvanshah's state. Yeah, Shirvanshah. 12वीं शताब्दी में बनी हुई ये है, but इसकी exact date नहीं पता है। And Shirvanshah जो राजा थे उनके रेन में इसको बनवाया गया था। Shirvanshah was a king's name or a dynasty's name? It's a state name. Okay, state name. So three dynasties were in Shirvanshah. I'm not historian. I made mistake. Mezyadiler, Mazyadis, Kasranis, Mezyadis. And Yazidis. Yazidis, yes. Okay. Closed? It's closed. I don't know why. It's बंद पड़ी है, यहीं से देखना पड़ेगा। Unfortunately, इतना सारा ड्राइव करके आया, effort wasted. तो इसकी हाइट जो पूरी 15 मीटर है और इसका पर्पस था बनाने का कि इसे बेसिकली हिल पे बनाया गया ताकि यहाँ से दूर तक दिख सके और प्रोटेक्शन की जा सके सिटी की। ऑफ कोर्स वही कासल्स का हमेशा ही पर्पस होता है। तो हम दोनों ने ही पेट्रोलियम के बारे में स्टडीज करी हैं, इन्होंने तो काम भी किया पेट्रोल में, कर रहे हैं अभी भी, मैंने नहीं किया। तो वी स्टडीड जियोलॉजी ऑल्सो बिट, इन्होंने डेफिनेटली मुझसे ज़्यादा पढ़ी है जियोलॉजी। एंड ये बोथ थिंकिंग लाइक कि आज हमारे पास इतनी ज़्यादा मॉडर्न टेक्नोलॉजी है टू अंडरस्टैंड दी काइंड ऑफ सॉइल, व्हाट द स्ट्रेंथ एटसेट्रा इज उस ज़माने में। एंड यही मार्वल है ऐसी जगहों का जो तब बनी हुई है कि उस ज़माने में हाउ कुड दे बेसिकली फिगर आउट कि कहाँ बनाना चाहिए, ये पत्थर कहाँ से तो लाए होंगे इतने बड़े बड़े ट्रांसपोर्ट करने के लिए, फाउंडेशन बनाने के लिए। एंड व्हाट काइंड ऑफ सॉइल इज देयर टू सपोर्ट सच अ बिग स्ट्रक्चर, वो अपने आप में एक मार्वल है। हम लोग जा रहे हैं यहाँ पे अताश गाह ज़ोरोएस्ट्रियन फायर टेम्पल। तो मैंने बताया था कि यहाँ पर पहले ज़ोरोएस्टर्स यानी कि जो रिलीजन था वो ज़ोरोएस्ट्रियनिज्म था। तो उसके जो कुछ टेम्पल बचे हुए उनमें सबसे बड़ा ये है, और आतिश गाह का मतलब ही वही है कि फायर प्लेस। तो हम लोग ढूंढ रहे हैं कि हमें जाना था वो है कहाँ पे। मैप पे तो मिल गया हमें, बट रियल लाइफ में दिख ही नहीं रहा वो कहीं पे भी। टेम्पल देखना था, वो होना यहीं कहीं चाहिए। और यहाँ पे कोई टूरिस्ट की बसेस भी खड़ी हुई हैं, बट हमें टेम्पल नहीं दिखाई दे रहा। नदी को क्रॉस करने का ऐतिहासिक इंडियन तरीका कमाल अपनाते हुए सो कमाल ने फाइनली फाइंड आउट कर ही लिया है। कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी लो है, बट और कुछ है नहीं तो प्रोबेबली यही होगा। जो पारसी कम्युनिटी है इंडिया की, बहुत ही छोटी, और इनफैक्ट वर्ल्ड की ये जितने भी ज़ोरोएस्टर्स बचे हुए हैं उन सब में प्रीटी मच सबसे बड़ी जो कम्युनिटी है ज़ोरोएस्ट्रियंस की वो इंडिया में है, और उसके बाद बहुत थोड़ी सी ईरान में, और बाकी सब जगह स्कैटर्ड है, जो मतलब मॉडर्न टाइम्स में से अमेरिका चले गए इंडिया से या जहाँ कहीं भी। तो ये बता रहे हैं कि वहाँ से जब लोग यूरोप वगैरह जाते हैं, बिकॉज दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट ज़ोरोएस्टर टेम्पल, तो वो यहाँ पर आते हैं होमेज देने के लिए। एंड जैसे इंडिया में भी बहुत सारा, बॉम्बे में जो पुराना ईरानी मतलब पारसी दे आर कलेक्टिव्स, वो पैसे वैसे आपस में इकट्ठे करते हैं, और फाउंडेशंस वगैरह हैं जो यंग लोगों को एजुकेशन में, एकोमोडेशन में, इन सब में सपोर्ट करती है। उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं बॉम्बे में, इसी तरीके से यहाँ पर उन्होंने रहने के लिए भी बना रखा है कि जैसे जो पारसी लोग आ रहे हैं मंदिर देखने के लिए वो यहाँ पे कुछ दिन स्पेंड कर सकें, रह सकें। इनका पूरा नाम है कमाल जवानशीर। व्हाट डज जवानशीर मीन? लाइक इन हिंदी जवा मीन्स यंग, इन Azerbaijani also? Yes, yes, yes. Oh, so young and smart, huh? As always. So, Shir is lion. Lion? Yes, and Jawan is Shir, young, same, so young lion. Ah, yes. Same. Shir in Hindi also lion. Jawan means young lion. So, and ये है जानजियर। जानजियर का मतलब होता है टर्किश में, टर्किश वर्ड और अजरबैजानी वर्ड, अजेरी वर्ड, क्लोजेस्ट फ्रेंड। तो कमाल जानजियर। तो ये एंट्रेंस है टेम्पल की, और ये एक्चुअली सिर्फ ज़ोरोएस्टर टेम्पल नहीं है, बिकॉज ये फायर टेम्पल है। फायर की सिग्निफिकेंस ऑफ कोर्स हिंदुइज्म में भी है, तो यहाँ पे एक्चुअली हिंदूज और सिख्स भी आते हैं होमेज पे करने के लिए। आज से नहीं, ये अजरबैजान में यानी कि अजरबैजान तो न्यूली फॉर्म कंट्री है, उससे भी पहले जब ये सफाविद अम्पायर और बाकी अम्पायर्स के अंडर, मुस्लिम अम्पायर्स के अंडर भी, तभी भी यहाँ पर हिंदू, सिख्स और ज़ोरोएस्टर्स के लिए ये पिलग्रिमेज प्लेस रही है। तो यहाँ पर जो फायर होती है, जो जल रही है, वो एटर्नल फायर है, मतलब पता नहीं कितने हजारों सालों से जल रही है, और वो यहाँ पे जो नेचुरल गैस है लैंड में उससे अपने आप जल रही है, किसी ने जलाई नहीं है, ना कोई उसे मेंटेन कर रहा है, और ये कभी भी इतने सालों में बंद नहीं हुई है एक्सेप्ट फॉर वंस। 1969 में एक बार ये एक्सटिंग्विश हुई थी, बिकॉज जो नेचुरल गैस है उसको ऑफकोर्स निकाला जा रहा है, एक्सप्लॉइट किया जा रहा है कॉन्टिन्यूसली, कॉन्स्टेंटली, जैसे किया ही जाएगा। तो ये जो डिफरेंट डोर्स आपको दिख रहे हैं, इनमें से कुछ अब खुले हुए हैं जो म्यूजियम टाइप इन्होंने बना दिया है, बट पहले लोगों के रहने की या वर्शिप करने की जगहें होती थी, और बहुत सारी हैं ऐसी डोर्स आपको दिख रहे होंगे मेरे पीछे। तो ये इसका हिस्ट्री ऐसे है कि यहाँ पर 7th सेंचुरी तक अजरबैजान में और इस पूरे रीजन में जो ईरानियन लैंड्स थे, पर्शिया के लैंड से, वहाँ पर ज़ोरोएस्ट्रियनिज्म होता था, वही रीजन ऑफ द लैंड था। बट 7th सेंचुरी में इस्लाम आने के बाद उन्हें एग्जीक्यूट किया जाने लगा, तो उनको फिर अपना कंट्री, जो लोग नहीं एक्सेप्ट करना चाहते थे इस्लाम, उन्हें वो छोड़ना पड़ा। एंड इंडिया में उन्होंने रिफ्यूज सीख किया, जैसे आपको पता ही है, वो लोग अब पारसी कहलाते हैं। तो ये जो टेम्पल्स थे उनके, ये एक था और भी बहुत सारे थे, उन सबको सेकेंड सेंचुरी आने तक, सेकेंड सेंचुरी बिफोर क्राइस्ट राइट, तो आने तक सबको डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। फिर 17th सेंचुरी में ये सिल्क रोड का भी पार्ट है, मतलब सिल्क रोड जो ऐतिहासिक सड़क है जहाँ से ट्रेड हुआ करता था, सेंट्रल एशिया से होके रास्ता जाता था यूरोप तक, तो उस पर ये आता था। एंड बहुत सारे इंडियन मर्चेंट्स यहाँ पर आने लग गए, तो उन्होंने डिस्कवर किया इस प्लेस को एंड सिमिलैरिटीज विद ज़ोरोएस्ट्रियनिज्म, तो उन्होंने ज़ोरोएस्टर्स के साथ मिलके, पारसी लोगों के साथ मिलके कंट्रीब्यूट करा लेबर और टाइम और एफर्ट और ये सब कुछ, दोबारा रिबिल्ड किया और उसको एज सराय यानी कि उनके रहने के लिए रास्ते में जो जगह होती थी वहाँ यहाँ आके पूजा करते थे, रुकते थे। ये देखिए, ये वो डिपिक्ट किया गया तब की जो भी लाइफ थी। तो उन्होंने सब कुछ 17th सेंचुरी 18th सेंचुरी में बिल्ड किया एंड तब ये सब कुछ नेचुरल गैस से ही चलता था। फिर उसके बाद 69 के ऑनवर्ड्स ये अब यहाँ पर एक्सट्रैक्शन क्योंकि हो रहा है ऑयल एंड गैस का, तो ये अब यू नो नेचुरली नहीं बल्कि आर्टिफिशियली लाइट किया जा रहा है। इनफैक्ट मतलब 18th सेंचुरी में ही एक पॉइंट आ गया था कि यहाँ पर नेचुरल गैस जब खत्म होने लगी थी तो ये फायर डाई डाउन होने लगी थी, तो लोग यहाँ पे छोड़ के चले गए थे। फिर दोबारा इसे रेजुनेट, कई बार ये खत्म हुआ है जगह, कई बार ये बनाया गया है। Fire Mountains, Yanardak. We'll visit. We will visit this. Okay. ये naturally जल रहा है. Yeah, they are natural. Yeah. They're natural. Right? They are natural. And this is the castle, Absheron Castle, Baku Castle, okay. Mardeka, Gala. Ganesh. तो ये 1500 यानी कि 15th सेंचुरी में यहाँ पे गणेशा की स्टैचू भी थी। दिस वाज प्रेजेंट हियर इन द 18th सेंचुरी। ये कुछ चीज़ें उस एरा की जो बची हुई हैं, जो सिल्क रोड पे लोग यूज़ करते थे ट्रैवलर्स। ये पर्शियन आर्ट है वेरी क्लियरली, और यहाँ भी कुछ है। अगेन ये सब पर्शियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है, पोर्सलेन और कार्विंग्स। सो ये वाटर वेल्स थी उस समय की 18th सेंचुरी में जो बनाई गई थी, इसमें आज तक पानी है और नीचे दिखाई दे रहा है। एक्चुअली पता नहीं कैमरा पे कैप्चर होना, पूरी रिफ्लेक्शन दिखाई दे रही है वहाँ पर। तो अजरबैजान के बनने से बहुत पहले कॉकासियन अल्बेनिया किंगडम हुआ करती थी यहाँ पर, और वहाँ पे मेजॉरिटी रिलीजन कॉकासियन अल्बेनिया में क्रिश्चियनिटी हुआ करता। तो बहुत सारे क्रिश्चियन इस रीजन में एग्जिस्ट करते हैं, इसीलिए अजरबैजान के साथ में जो अर्मीनिया है और जॉर्जिया, वो एक्चुअली आज भी क्रिश्चियन ही है right? I mean Georgia and Armenia are still Christian countries, so they were also part of Caucasian Albania. Yes, and yes. Caucasian Albania has nothing to do with present day Armenia, which is largely Muslim country. Yes. बाकू से 21 किलोमीटर दूर सुराखनी नाम की जगह स्थित 17वीं शताब्दी में बने फायर टेम्पल को विजिट करके और उसमें बने म्यूजियम को देख के 2500 साल पुराने ज़ोरोएस्टर धर्म के बारे में बहुत कुछ जानने को मिला। इंफॉर्मेशन और एंटरटेनमेंट से भरी अपनी इस जर्नी को हम कंटिन्यू रखेंगे अगले एपिसोड में, और तब तक के लिए जुड़े रहिए और देखते रहिए अक्षय डिस्कवर्स द वर्ल्ड।